Here we go. ये पहला स्क्रीन आपको दिखता है, इनविटेशन का कल जो भेजा था, इसमें लिखा है लाइव सेशन है जूम पर पेरेंट्स के लिए, एसकेसियंस के लिए, आज 2 से 3, जिसके बारे में सब्जेक्ट ये है ग्रैंड टाइप सोनी बीबीसी अर्थ। नाउ कितने बच्चे आप में से, कितने स्टूडेंट्स आप में से, आई वुड लाइक टू नो कितने स्टूडेंट्स आप में से नॉर्मली नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी जैसे एजुकेशनल चैनल देखते हैं। आई वुड लाइक टू हैव लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हियर, लिस्ट हियर नहीं आएगा, ओके हैंड उठाइएगा। एक बार लाइफ में देखने से नहीं होता है, अक्सर रेगुलरली देखते हैं। हमारे पास टीवी जब देखते हैं हमारे पास बहुत चॉइस होता है, वी हैव अ चॉइस। 36 स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया, 36 बच्चों ने बोला है कि हम नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी से चैनल को, एजुकेशनल चैनल देखते हैं। हम जब टीवी चैनल, हमारा रिमोट हमारे हाथ में होता है, हमारे पास 400 से अधिक चैनल हमारे सामने है, जिसमें कुछ अलग अलग कैटेगरी के हैं, कुछ फिल्म्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, आजकल मूवी तो अच्छा नहीं आता, वी गो टू नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, कुछ न्यूज देखते हैं वो भी आजकल अच्छा नहीं है, जो टॉपिक वगैरह रगड़ते रहते हैं, कुछ क्राइम पेट्रोल और फैमिली ड्रामा जैसे सीरियल देखते हैं, और कुछ एजुकेशनल सीरियल जैसे कि डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं। नाउ जो लोग ये चीज देखते हैं उनको इस चीज में इंटरेस्ट लाने की जरूरत नहीं, मुझे उनका इंटरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। नाउ ऑल ऑफ यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन, पुट योर हैंड्स डाउन कि दोबारा जब मैं पूछूंगा तो मुझे हैंड्स, यू कैन पुट एवरीबॉडीज हैंड्स डाउन। ओके नाउ I'm coming to the next one, the next slide. How do I go? This one? Yeah. किसने लोगों ने ये चीज का नाम सुना है, सोनी पिक्चर नेटवर्क? सुना होगा ना, हाथ अपने अपने फोटो में उठाइए, जहां पर कैमरा में उठाइए हाथ, वहां नहीं, वैसे नहीं, ब्लू हाथ नहीं, कैमरा में फोटो हाथ उठाइए। यस, सोनी पिक्चर नेटवर्क एक बहुत बड़ा चैनल है और पिछले सालों में काफी अच्छा कर रहा है, काफी अच्छा टीआरपी है, बहुत सारा सोनी का किया हुआ प्रोग्राम्स आज नामदायक है। सोनी जो है कपिल शर्मा शो, सोनी पिक्चर्स, सोनी जो है डांस इंडिया डांस, उस तरह के सीरियल्स बहुत सारे लेके आता है और इसीलिए सोनी फेमस हो गया है। और सोनी पिक्चर नेटवर्क ये नाम अब कुछ करना चाहता है शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है। उन्होंने हाथ मिलाया है इस चैनल से, इसका भी नाम आपने सुना होगा, बीबीसी अर्थ। ये बीबीसी वर्ल्ड वाइड का एक सब्सिडरी है। हाथ उठाइए कितने लोगों ने बीबीसी अर्थ का नाम सुना है, ऐसा हाथ उठाइए, ऐसा हाथ मतलब कैमरा में हाथ उठाइए। बीबीसी अर्थ का, बीबीसी अर्थ भी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा चैनल है। बीबीसी अर्थ और सोनी पिक्चर दोनों ने मिलकर हाथ मिलाया है। हाथ मिलाने के बाद उन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है दोनों ने मिलकर। द पर्पस जो उन्होंने हाथ मिलाया है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में लॉकडाउन के समय कुछ चेंज लाना चाहता है, परिवर्तन लाना चाहता है, बच्चों को कुछ चेंज लाना चाहता है, और उन्होंने मिलकर बनाया एक हाइब्रिड चैनल, एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म, जिसका नाम उन्होंने दिया सोनी बीबीसी अर्थ। सोनी बीबीसी अर्थ, मैं बता दूं आपको, सोनी एंड पिक्चर नेटवर्क ने हाथ मिलाया बीबीसी अर्थ के साथ और दोनों ने मिलके जब शादी हुआ, इनका मिलन हुआ, इन्होंने जब 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 एक 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 जॉइंट वेंचर बनाया, तब नाम आया सोनी बीबीसी अर्थ। जैसे कि हीरो कंपनी फ्रॉम इंडिया, इन्होंने जापान के होंडा कंपनी से हाथ मिलाया तो बना हीरो होंडा। कावासाकी कंपनी फ्रॉम जापान, जब इंडिया का बजाज कंपनी से हाथ मिलाया तो बना कावासाकी बजाज। वैसे ही सोनी एंटरटेनमेंट, सोनी पिक्चर्स ने बीबीसी अर्थ के साथ हाथ मिलाया और बना हुआ सी है सोनी बीबीसी अर्थ। अब ये बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बना और ये लोग, इन लोगों ने चाहा कि हमको सैंपलिंग करना चाहिए आने वाले 8 महीने में, तो सैंपलिंग करने के लिए उन्होंने पूरे भारत में 300 स्कूल का सिलेक्शन किया थ्रू सम प्रोसेस और हमको इनविटेशन भेजा कि आप चाहे तो हमसे एग्रीमेंट कर सकते हो और आपके स्टूडेंट को हम लाभ देंगे। इन 300 स्कूलों को उन्होंने सेलेक्ट किया, सो वी वर वन ऑफ देम एंड ओनली वन इन दिस बेल्ट, इन द दईसर बईसर बेल्ट, टू गेट ऑन द प्लेटफॉर्म। बॉम्बे के हमारे साथ कुछ और स्कूल है, नामचीन स्कूल है, वी आर प्राउड कि हमने एसकेसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ने हाथ मिलाया विद सोनी बीबीसी अर्थ। तो इस पर एक बार सब जन जोरदार तालियां हो जाए, बिकॉज हम सबको अभी ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहेगा, हम सबको ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहेगा। अब क्वेश्चन है, सर ये प्लेटफॉर्म आपने तो बोल दिया, मैं 3 दिन से सुन रहा हूं, फेसबुक में सुन रहा हूं, आपने एक पिक्चर इमेज भेज दिया, व्हाट्सएप में सुन रहा हूं, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ है तो बताओ ना सर। ये सवाल आप सबके मन में होगा और आप अभी पूछना चाहेंगे, आइए आपको अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसका लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा।
Here we go. इस माध्यम से वी ऑल स्टूडेंट्स विल गेट गेट वी गेट एवरी डे गेट समथिंग कॉल्ड एज फील अलाइव आवर्स. फील अलाइव आवर्स हमारे बच्चों को मिलेगा. फील अलाइव आवर्स मतलब हमें घर पे बैठे बैठे स्लगिश हो गए, हम घर पे बैठे बैठे पढ़ाई न करने की दिए ये इच्छा हो रही है. सेम बीके इको एसपी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ्स पढ़कर बोले सर मेरा सर ये हो रहा है, कुछ अलग चाहिए, मुझे फील अलाइव करना है. तो उन्होंने लेके आया राइट नाम दिया उन्होंने फील अलाइव आवर्स, जो कुछ ही बच्चों को इंडिया में पहले 8 महीने के लिए उपलब्ध होगा और उनमें से हमारे स्कूल के सारे बच्चे उस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं. अगर आप चाहो तो, आप चाहो तो फील अलावास. हमारा एग्रीमेंट ट्यूसडे को साइन हो गया है और उन्होंने वेनसडे के अंदर शाम को उन्होंने हमको उस प्लेटफॉर्म में अप कर दिया है. नाउ हियर वी गो. इस फील अलावास में फायदा क्या क्या होगा, व्हाट आर द फीचर्स, आइए फर्स्ट फीचर्स बताते हैं. आपको मिलेगा ब्रेन टीजर्स. इसके पहले बता दूं 3 लाभ फील अलावास 3 लाभ. सबसे पहला उनका न्यूज़लेटर इन ए न्यूज़पेपर, जब हम टाइम्स ऑफ इंडिया या मुंबई मिरर खोलते हैं तो हमें सब टाइप का न्यूज मिलता है. क्रिकेट के बारे में मालूम पड़ता है, स्पोर्ट्स के बारे में मालूम पड़ता है लास्ट पेज में, हमें मालूम पड़ता है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पेज नंबर 3 में, हमें मालूम पड़ता है एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह पेज नंबर 5 में. लेकिन पेज नंबर 1 का मेजर रुक क्या है, इंडिया पाकिस्तान या फिर कोविड कोरोना या फिर कुछ क्राइम रिपोर्टिंग सेंसेशनल न्यूज. इस चीज से हमारा दिमाग गलत डायरेक्शन में जाता है. यहां पर जो सोनी बीबीसी अब न्यूज़पेपर लेके आएगा, एवरी मंथ एक न्यूज़पेपर आएगा, एवरी मंथ 1 आएगा. ये चीज न्यूज बनाने बहुत तकलीफ होता है, बिलीव इट्स अ बिग 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 एफर्ट, क्योंकि अब सोनी या बीबीसी अर्थ करेगा तो ये न्यूज़पेपर ये मैगजीन बहुत ही फायदेमंद होगा. और ये मैगजीन हमारे बच्चों को हम ऑनलाइन मोड से फ्री में उपलब्ध करवाएंगे. ऑल आवर स्टूडेंट्स विल गेट दिस मैगजीन फ्री ऑफ चार्ज वंस एवरी मंथ. सबसे पहला लाभ, ऑल आवर स्टूडेंट्स विल गेट द मंथली मैगजीन ऑफ सोनी बीबीसी अर्थ फॉर द नेक्स्ट 8 months एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज ऑनलाइन मोड इन ए सॉफ्ट कॉपी. नंबर 2, हर 2 महीने में एक एक्सक्लूसिव वीडियो, आउट ऑफ द वर्ल्ड वीडियो, जो कहीं पर नहीं हो, उस वीडियो का लिंक आपको हम भेजेंगे जो सोनी बनाया होगा. सोनी बीबीसी मिलके जब चैनल जब बनाता है सीरियल तो कितना खर्चा करते हैं कि हम जब यहां पर वीडियो बनाता हूं मैं तो मेरा सादा कैमरा होता है, सादा लाइटिंग स्टूडियो, लेकिन सोनी बीबीसी जब वीडियो बनाएगा तो कितना करोड़ों में खर्चा करेगा. और वो 2 महीने में एक वीडियो आपको, एक्सक्लूसिव वीडियो आपको फ्री में मिलेगा देखने के लिए. और वो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेशनल ज्योग्राफी और अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं और वो इंटरेस्ट लेते हैं उस लेवल, उससे ज्यादा लेवल का होगा, दे हैव एश्योर्ड अस कि एक्सक्लूसिव वीडियो वंस इन 2 months 1 वीडियो हम रिलीज करेंगे. तो सबसे पहला लाभ आपको न्यूज़पेपर मंथली मिलेगा जो ऑनलाइन मोड पर आपको मैं भेजूंगा. 2, आपको मिलेगा 2 महीने में एक बार टू वॉच वन एक्सक्लूसिव वीडियो क्रिएटेड बाय सोनी बीबीसी अर्थ. 3, दे विल बी ऑर्गेनाइजिंग लॉट ऑफ क्विज कॉम्पिटिशंस. उस क्विज कॉम्पिटिशन में जो आप पार्ट लोगे, ओके, उस क्विज का पार्ट लेते लेते आपको चांस मिलेगा जाने के लिए टू द चैनल. जैसे कि हमारे बचपन में हम देखते थे बहुत सारा क्विज कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होते थे, तो आपको चांस मिलेगा अगर आपने क्विज में अच्छी तरह से परफॉर्म किया तो सेलेक्ट हो गए तो आप चैनल में आकर क्विज में ऑल इंडिया लेवल पार्टिसिपेट करेंगे. इसके पहले हमारे काफी बच्चे ऑल इंडिया लेवल पर गए हैं और काफी बच्चों के साथ लड़कर जीतकर नेशनल चैंपियंस बने हैं, हीरो बने हैं और हमारे एसकेसी का गर्व बने हैं, एसकेसी का प्राइड. 2 अमंग देम आर मल्लिका मन्नू, जो आज से 8 साल पहले 2012 में नेशनल चैंपियन बनी थी बडिंग साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट में. शुरू हुआ था स्कूल के लेवल से, स्कूल लेवल से ऊपर जाकर वो गई थी जोनल लेवल में, जोनल लेवल से स्टेट लेवल, उसके बाद रीजनल लेवल एंड फाइनली नेशनल लेवल जीतकर जापान तक गई है हमको, इंडिया को और एसकेसी को रिप्रेजेंट करने में. वैसे ही उसके आने वाले इमीडिएट नेक्स्ट साल में मात्र
9 साल का बच्चा शाल्टन पिंटो, शाल्टन स्टैन मेरा बेटा, वो भी उसी कॉन्टेस्ट में आने वाले साल में 8600 स्कूलों में कॉम्पीट करके जीत करके ऑल इंडिया बडिंग साइंटिस्ट का टाइटल लिया और उसको 5,00,000 कैश अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने आगे आकर उसको बहुत सारा कैश अवार्ड दिया। नो वंडर 15 मिनट का परफॉर्मेंस में उसने उस वक्त ऑलमोस्ट 18,00,000 रुपया कमा लिया था कि आज उसका फ्यूचर उस पैसे से सेफ हो गया। और वही शाल्टन पिंटो हमारा एसकेसी का गर्व बन गया, प्राइड बन गया, एंड ही वाज स्टिल आज भी उसका फ्रूट्स रीप कर रहा है। उसका यहां का फीस एवरी ईयर फी, हम भले मेरा स्कूल से पैडी का स्कूल है, मैं फी नहीं भरता हूं, उसका फी स्पॉन्सर्ड है, एक कॉग्निम इंटरनेशनल से स्पॉन्सर होकर आता है। तो दिस इज अ लाभ ना, हम चाहते हैं जैसा मल्लिका ने एडवांटेज लिया, जैसा शाल्टन ने एडवांटेज नेशनल प्लेटफॉर्म का, ऐसे उस वक्त कुछ बच्चे 15-20-30 बच्चों ने फायदा लिया था, बट 2 बच्चे पहुंच पाए। अभी भी हम चाहते हैं हमारे सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर आए और हम में से कुछ बच्चे जीत जाए। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली नेशनल विनर तो एक ही बनता है, कौन बने करोड़पति एक ही बनता है, ऐसे हमारे बच्चे बन पाए, जीत पाए अवार्ड्स। इसलिए ये प्लेटफॉर्म हमने आपको उपलब्ध करवाया है, क्विज कॉन्टेस्ट तीसरा है, एंड चौथा वाला जो है वो है DIY, डू इट योरसेल्फ वर्कशॉप। घर बैठे बैठे बच्चे बोर हो गए हैं, प्रैक्टिकल साइंस का नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो ये लोग जो सोनी बीबीसी अर्थ है उनके कोचेस डू इट योरसेल्फ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे रेगुलरली। यानी हमारे बच्चे घर पे बैठे बैठे उनका दिया एडवाइस किया हुआ कोच के साथ में घर के अवेलेबल सामग्री, घर पे अवेलेबल, यानी घर पे जूना बिस्तरी बॉटल खाली, घर का अंडे का शेल या नारियल का शेल, घर का धागा, घर का निडल, घर का ग्लू लेकर कुछ आइटम बनाएंगे जो सोशली प्रोडक्टिव आइटम होगा, ये भी वो लोग सिखाएंगे। तो 4 चीज मैंने बोला, रिपीट ऑल द 4 थिंग्स। नंबर 1, यू विल गेट मंथली मैगजीन। Number 2, you will get bi-monthly, once in 2 months, one exclusive video. Number 3, you will be eligible to take part in the quiz and other contests organized by the channel, and you will grow and come on the TV if you do well, if you succeed well. अगर आप बहुत सारा प्लेटफॉर्म का यूसेज है और देखते हैं आपने बहुत यूज किया है और आपने क्विज रेगुलरली राइट आंसर दिया है उस प्लेटफॉर्म में, आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड नंबर 4, डू इट योरसेल्फ वीडियो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे जहां आप इजीली अवेलेबल हाउस होल्ड आइटम के साथ कुछ सोशली प्रोडक्टिव सामान बना सकते हैं। हमारे टाइम पर एक सब्जेक्ट होता था SCPW, सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव वर्क, सेम चीज अब उन्होंने बनाया है डू इट योरसेल्फ वर्कशॉप। कौन बताएगा 4 लाभ क्या है? रेज योर हैंड, ब्लू हैंड, रेज हैंड। कौन एक्सप्लेन करेगा 4 चीज रिविजन में? कौन एक्सप्लेन करेगा? रेज हैंड। 4 बेनिफिट जो मैंने बोला, हु विल एक्सप्लेन टू एवरीबॉडी? किसने ग्रैप्स किया है? हाथ उठाओ, ब्लू वाला हाथ उठाओ। शाल्टन, यस, शाल्टन हैज विन द फर्स्ट टाइम। शाल्टन कम ऑन, शाल्टन एक्सप्लेन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस एक्सप्लेन। सो फर्स्ट वी विल गेट द लाउडर। So first we'll get the magazines about the information about from BBC and Sony. Correct. Then secondly we'll get a once in a month exclusive video from them, which will be highly educational. Third we'll get quizzes from them, and we'll get a chance, if we do well, we'll get a chance to come on TV. Correct. And fourth, we'll get the do-it-yourself workshop from home. We have to create projects. Correct. From things which are available at home. Lovely. Good shot. Well explained, Shalton. Shalton ke saath mein baad mein Aryan. Aur Aryan ne bhi haath uthaya tha. Aur I think aur ek do bachcho ne haath uthaya tha. Shalton was the first chance mila hai. Shalton, very good. Thank you so much. Mute yourself. Now, abhi hum aapko batayenge aur laab kya hai. 4 ke alawa aur laab kya hai. What are the other things? इस 4 के अलावा, here we go, आप लोग फिर से स्क्रीन शेयरिंग में अपना वीडियो को बड़ा करेंगे, अपनी इमेज को बड़ा करेंगे 2 उंगलियों के साथ, बड़ा कर लो, ताकि एक बार बड़ा कर दोगे पूरे स्क्रीन में फिट करोगे तो ऑटोमेटिकली बड़ा ही रहेगा। नाउ फील अलाइव आस के बाद क्या है? फील अलाइव आस में क्या क्या है? नंबर वन फील अलाइव आस में आपको मिलेगा ब्रेन टीजर्स, मतलब अपने दिमाग को चिढ़ाने वाला चीजें। जैसे कि आपको एक पजल आएगा जहां पर आपने खेले होंगे, स्टार्टिंग में आपको एंट्री मारना है, फिर अपना रास्ता ढूंढ ढूंढ के होम पेज तक जाना है, कहीं कहीं अटकल है, इट्स अ मेज पजल, दैट इज वन ऑफ देम। ओके, वन ऑफ देम इज मेज पजल।
सेकंड वाला ऑप्शन जो उसमें है, बहुत सारे ऑप्शंस उसमें है, एक मेज पजल है, सेकंड है वर्ड 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 यानी कि वर्ड पजल यानी कि जहां पर आपको अलग अलग टाइप का वर्ड पजल्स, आपको बहुत सारे अल्फाबेट दिए जाएंगे और उस अल्फाबेट में, उस अल्फाबेट के अंदर ढूंढना होगा वर्ड्स बेस्ड ऑन क्लूज। आई एम कमिंग टू यू, वापस मैं स्क्रीन वापस मैं ओपन ब्रेन टीजर एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। सो ब्रेन टीजर एक्सप्लेन करते वक्त आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग ऑन द स्क्रीन। हियर इज माय मोबाइल, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, जैसा कि मेज है, इस टाइप के पजल्स है जो आपको मिलेंगे और आपको वहीं पर गेट आंसर दबाते हैं उसका रिप्लाई भी मिलेगा। ये सेकंड वाला है जहां पर अलग अलग अल्फाबेट्स है और आपको इस अल्फाबेट में वर्ड्स ढूंढने हैं, राइट, क्लिक टू प्ले है। ऐसे बहुत सारे पजल्स आपको अवेलेबल होंगे। तो नॉर्मली जब हम पढ़ाई करते हैं, रूटीन टाइप की पढ़ाई होती है, टीचर एक्सप्लेन करते हैं, हम टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं, फिर उसे रट्टा मारने की कोशिश करते हैं या फिर मैथ सॉल्व करते हैं। बट ये टाइप का जो एजुकेशन है बहुत अच्छा है, न्यूज पेपर में रोज आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉल्व करने को। तो आपको ये ब्रेन टीजर में ऐसे वाले बहुत सारे पजल्स, बहुत सारे, अभी ये आप स्पॉट द डिफरेंस आपने प्ले किया होगा, स्पॉट द डिफरेंस, और वैसे आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे ब्रेन टीजर में, जो आपको ढूंढ के आंसर लिखना है। यहां लिखा है व्हाट टू थिंग्स कैन यू नेवर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे माइंड में है, क्या आंसर दूं, तो वहां पर आंसर भी आपको मिलेगा। और व्हाट मंथ ऑफ द ईयर हैज 28 डेज, ऑफकोर्स सबको मालूम है फेब्रुवरी। तो इस तरह का अलग अलग टाइप के पजल्स आपको मिलेंगे बहुत सारे ब्रेन टीजर्स। मैं नहीं बोलता आप दिन भर इसमें उलझे रहो, मैं बोलता हूं दिन में 8 चीजें हैं, 5 मिनट्स ईच ब्रेन टीजर 5 मिनट करो, दूसरा चीज 5 मिनट करो, तीसरा चीज 5 मिनट करो, ऐसा 40 मिनट आप अपने आप को एंगेज मीनिंगफुली रख सकते हो। इन अ वे आपका लैंग्वेज इंप्रूव होगा, आपका ब्रेन मसल्स डेवलप होंगे और आप सही तरह के यू आर डायरेक्टिंग योर एनर्जी इन द राइट वे। गलत जगह पर अपना दिमाग जाओगे नहीं। मैं एग्जांपल देता हूं, जब मैं दुकान में जाता हूं, मॉल में जाता हूं या कोई दुकान में जाता हूं, बहुत सारे चीजें अवेलेबल होती है, कुछ चीजें मेरे हेल्थ खराब करने वाली चीज होती है, जो आके शेल्फ में खड़े हैं मुझे बोलते हैं आओ मुझे खरीदो, मैं उठा के ट्रॉली में डालता हूं। मेरे जेब में सपोज 2000 रुपया है, मेरे पास 2 तरीके हैं, एक उन चीजों में खर्चा करूं जो मेरा हेल्थ खराब करेगा और दूसरा उन चीजों में खर्चा करूं जो मेरा हेल्थ इंप्रूव करेगा। तो मैं जब जाता हूं वहां पर विटामिन्स भी है, वहां पर हेल्थ वाला आइटम्स है, प्रोटीन आइटम्स है, अच्छे फ्रूट्स है और ऐसे भी है, स्वीट चॉकलेट्स एक्सेट्रा। अब मेरे पर है मैं कहां खर्चा करता हूं। अगर मैं बहुत सारा चीज उन चीजों में खर्चा करता हूं जो मेरा हेल्थ खराब करता है, आखिर में मेरा हेल्थ खराब ही रहेगा और जब मैं 40-50 ईयर्स का हो जाता हूं तो मुझे हेल्थ के हजार प्रॉब्लम्स आएंगे, रोज प्रॉब्लम आएंगे, मुझे आज ये डॉक्टर कल वो डॉक्टर कल ये, पीठ में दर्द आते रहेगा, क्योंकि मैंने यंग एज में मैंने अपना हेल्थ, मैंने अपना पैसा गलत जगह खर्चा किया। वैसे ही जब आपके अपने मोबाइल है, आपके 2 तरीके हैं, शुड आई गो टू द राइट प्लेटफॉर्म एंड यूज इट इन अ नाइस वे और गो टू रॉन्ग चैनल्स एंड सी रॉन्ग थिंग्स, वॉच एंड रीड रॉन्ग थिंग्स, आपके ऊपर है। आपका बच्चा क्या देखता है आप देखिए। हमारा ऐसा स्कूल जवाबदारी ये बनता है उसको एम्पल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल किया जाए, अगर ऐसा मॉल ना बने जहां सिर्फ गलत चीज है। मोबाइल तो दे दिया, उसमें गलत चीज तो ऑलरेडी है, अभी अच्छा चीजों का भंडार उसको उपलब्ध करना चाहिए, इसलिए हम ये चीज और उसको दे रहे हैं, सो दैट ही कैन डायरेक्ट हिज एनर्जी इन गुड थिंग्स। नाउ ये था हमारा ब्रेन टीजर। आई एम कमिंग बैक टू द स्क्रीन शेयरिंग। तो सबसे पहला आइटम वो 4 के अलावा 4 मतलब मंथली मैगजीन, एक्सक्लूसिव वीडियो, तीसरा जो है क्विज कॉन्टेस्ट, चौथा डू इट योरसेल्फ वर्कशॉप। ये 4 के अलावा 5वां हमने देखा ब्रेन टीजर। वापस आप अपना स्क्रीन बड़ा कीजिएगा। ब्रेन टीजर के बाद नेक्स्ट है फैसिनेटिंग स्टोरीज। सब वी ऑल लव स्टोरीज। हम दादा दादी हमें स्टोरी बोलते हैं, हमें स्टोरी सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हम स्टोरी सुने। देखो हर चीज का लोगो बना हुआ है, हर चीज कितना अच्छी तरह बनाया है। वी ऑल लव टू रीड स्टोरीज। हमने आपको अमेजिंग स्टोरीज बोल के एक प्लेटफॉर्म दिया था अप्रैल मई में, अमेजोन का अमेजिंग स्टोरीज, आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना है, बट यहां पर अमेजिंग स्टोरीज जो है आपको इस प्लेटफॉर्म में दिया जाएगा, जहां पर ऐसे स्टोरीज है जो आप कभी भी आपको लगेगा ये स्टोरीज वो दादा दादी की स्टोरी नहीं है, टॉम एंड जेरी की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरीज नेशनल ज्योग्राफी, ये सारे चीज जितने भी हैं जो भी आर्ट प्लेटफॉर्म है इज बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स, 1 नेचर, 2 एडवेंचर एंड 3 साइंस। एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन नेचर, एडवेंचर एंड साइंस।
साइंस नेचर एंड एडवेंचर, बाकी कोई कोई टॉम एंड जेरी या कोई भी नहीं है। सो यहां पर हम आपको वापस बताएंगे फैसिनेटिंग स्टोरीज क्या है। फैसिनेटिंग स्टोरीज यहां पर ऐसा रहेगा, फॉर एग्जांपल मीट द एक्सट्रीमली क्यूट नट लविंग सुपर स्क्विरल्स। नाउ सुपर स्क्विरल्स के बारे में, सुपर स्क्विरल्स बोले कुछ चीजें हैं उसके बारे में आपको अच्छा स्टोरी मिलेगा। नेक्स्ट द मोस्ट एपिक सर्वाइवल स्टोरीज ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमल्स ऑन आवर प्लैनेट, कैसे वो सर्वाइव कर गए उसके बारे में स्टोरी। तीसरा अर्थ लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल, जैसे कि एलिफेंट्स जायंट है बट जेंटल है, इंटेलिजेंट है और सेंसिटिव क्यों है ये जानने आपको मिलेगा। जिस लोगों को नेचर से प्यार है, एडवेंचर से प्यार है, साइंस से प्यार है, उनको अंदर से प्यास हो गया, वांट टू नो एलिफेंट इतना बड़ा होते हुए भी क्यों दुनिया को हार्म नहीं पहुंचाता है नॉर्मल सर्कमस्टेंस में, लेकिन छोटी सी मुंगी या मच्छर आपको, अगर मैंने एक पढ़ा था एक जगह पर, सबसे डेंजरस एनिमल लायन या लेपर्ड नहीं है, सबसे डेंजरस एनिमल मच्छर है। जितना जान मच्छर जो दुनिया में लेता है उतना कोई भी दूसरा जानवर नहीं लेता है। मच्छर मस्कीटोस टेक द मैक्सिमम डेथ इन द कंट्री, लेकिन फिर भी हम पीछे पड़ते हैं सांप को मारने में, शेर को मारने में। तो ये नेचर के बारे में जो कहानियां हैं, राइट, फॉर एग्जांपल और एक कहानी मुझे अभी सामने यहां नजर आता है मेरे 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 स्क्रीन में, तो आपको नहीं नजर आएगा, यू थिंक यू नो देम बट यू डोंट। कुछ चीजें मछलियां हैं, आपको लग रहा है कि आप उनको बारे जानते हैं लेकिन आपको नहीं मालूम। ऐसी ऐसी चीजें जो मछलियों के बारे में, उनके एनर्जी के, उनके इंटेलिजेंस के बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर क्या करते हैं। डिस्टिंग एनिमल्स के बारे में मालूम पड़ेगा, ओके। नाउ किस तरह जिराफ हैप्पी डांस करते हैं, जिराफ हैप्पी डांस करते हैं, आपको पता है जिराफ हैप्पी डांस करते हैं तो किस तरह डांस करते हैं, वो भी वीडियो आपको मिलेगा। और ये कोई एनिमेटेड वीडियो नहीं है, रियल वीडियो उन्होंने जंगल में शॉट किया, वीडियो मिलेगा कि जिस तरह जिराफ डांस कैसे करते हैं और मिले भी इंसानों से अच्छा डांस करते हैं। I have seen the videos myself, और ये वीडियो देखकर मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं nearly addict हो गया। अब मुझे रोज ये वीडियो देखने का दिल करता है कि, और unending है क्योंकि मेरे पास पूरा प्लेटफॉर्म है, आपको तो बारी बारी आएगा मेरे मोबाइल में, तो उन्होंने पूरा दे दिया है तो मुझे तो पूरा देखने का, अब तो मुझे लगता है कि पूरा अप्रैल तक का स्टॉक रोज देख लूं, अगला चार दिन स्कूल में मत आऊं बैठ के यही देखूं। और इतना चीज नेचर के बारे में, मेरे धरती के बारे में, लायन के बारे में, टाइगर्स के बारे में, अलग अलग टाइप, राइट, मुझे मालूम पड़ता है, राइट। तो ये चीजें किस तरह है, और हर हर चीज का फोटो वीडियो के साथ उन्होंने फैसिनेटिंग स्टोरीज हमको पेश किया है। आई विल लाइक टू शो यू ऑन द स्क्रीन फैसिनेटिंग स्टोरीज काय काय के बारे में है। हियर आई गो, आई विल स्टॉप माय स्क्रीन एंड शो यू बैक अगेन मेरे यहां से, राइट। ये है फैसिनेटिंग स्टोरीज, फैसिनेटिंग स्टोरीज आपको आएगा, आप देखो यहां पर। तो ये है स्क्विरल्स के बारे में, उसके बाद आपको नजर आएगा किस तरह लोग सर्वाइव कर गए, अलग अलग एनिमल जो सर्वाइव नहीं हो सर्वाइव कर गए। फिर आपको मालूम पड़ेगा एनिमल्स के हाथी के बारे में कैसा जेंटल है। फिर आपको मालूम पड़ जाएगा ये मछली यू नो, लेकिन ये क्या क्या कर सकता है उसका पूरा स्टोरी आपको फैसिनेटिंग स्टोरी मालूम पड़ जाएगा। बंदर के बारे में आपको पता चल जाएगा, वैसे ही जिराफ का डांस में आपको बोला, सिर्फ आपको क्लिक करना है वो पर्टिकुलर चीज और उसका स्टोरी आपको मालूम पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड, इफ यू एक्साइटेड रेज योर हैंड, ब्लू हैंड देयर, रेज योर हैंड इफ यू एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट इट। इफ एक्साइटेड है तो आप वहां ब्लू हैंड रेज कीजिएगा, ब्लू वाला हाथ रेज कीजिएगा। वाओ, दैट मींस आई हैव बीन एबल टू अराउज इन योर ईगर इंटरेस्ट, आई एम लिविंग बाय माय रूल्स, लवली। लेट मी कम बैक टू द स्क्रीन शेयरिंग, टू द नेक्स्ट थिंग। वापस आप स्क्रीन बड़ा कीजिएगा, हमने आपको चार चीज पहले बोला था, उसके बाद दो बताया, दो मतलब मैंने आपको बताया है, फर्स्ट आपको बोला है ब्रेन टीजर, दूसरा आपको इस पे फैसिनेटिंग स्टोरीज, तीसरा आपको रिगार्डिंग अर्थ, अर्थ आपको मालूम पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट हमारे, आपको पता है दिल्ली में कोरोना क्यों बढ़ गया, क्योंकि वहां के आस पास के जो लोग हैं, जो यूपी है, हरियाणा है, वो लोग फसल को जला देते हैं और उसके पोल्यूशन बढ़ गया है, और पोल्यूशन बढ़ने के कारण उनका एयर पोल्यूट हो गया है, रोज टीवी में हम देखते हैं, और एयर पोल्यूट होने के कारण वहां कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। वैसे ही हम लोग अपने खुद हमारे धरती माँ को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। बहुत बड़ा ये, हम हमेशा एसकेसी में बोलते हैं, ये धरती आपको आपके बाप से विरासत में नहीं मिली है, ये धरती आपको आपके बाप से ही विरासत में नहीं मिली है, यू हैव नॉट इनहेरिटेड दिस प्लैनेट फ्रॉम योर पेरेंट्स, ये धरती आपको लोन में मिली है, आपके आने वाले पीढ़ी से आपको लोन में मिली है कि पकड़ो सुरक्षित मेरे दादाजी, मुझे जब आऊंगा मैं 100 साल बाद, मुझे सुरक्षित हैंडओवर करो।
विरासत में मिला हुआ है तो उड़ाओ खराब करो, लेकिन आपको लोन में मिला हुआ धरती है जो आपको आने वाले पीढ़ी को हैंडओवर करना है सेफली। लेकिन जिस तरह से हम प्लास्टिक से अधिक अलग अलग चीजों से हमारे धरती को नष्ट करते हैं, राइट, सो हियर ये री अर्थ के बारे में हमारे बच्चों में बहुत सारा चीज इंस्टॉल किया जाएगा, वैल्यूज, जहां पर बच्चे अपने धरती माँ को संभालेंगे, उनमें से एक 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 बड़ा विल पावर और एक बड़ा कॉन्शियसनेस डेवलप होगा, सो दैट दे विल बी एबल टू यूज और नॉट स्पॉइल द प्लैनेट अर्थ, राइट। नेक्स्ट वन इज अर्थ क्विज, ये मैंने बताया क्विज होगा आपका, क्विज कॉन्टेस्ट, जब कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं अमिताभ बच्चन के साथ, तो आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, हर कंटेस्टेंट को वहां पर दिया जाता है 25 टॉपिक 26 टॉपिक, उनमें से कोई भी चार टॉपिक सेलेक्ट करना होता है और वो चारी के द्वारा उनको क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ही आपको यहां पर जो क्विज है, ओनली थ्री थिंग्स, साइंस, नेचर, एडवेंचर। क्या है? साइंस, नेचर, एडवेंचर, ये तीन चीज में आपको इंटरेस्ट है तो अर्थ क्विज आपको आंसर करना है, और आंसर करते 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 आप ऐसे जगह पर पहुंचेंगे पर एक दिन आप टीवी में बैठे रहेंगे और हम सब एसकेसियंस, हमारा मैसेज जाएगा आज एसकेसियन सो एंड सो आपका नाम, हमें गर्व से हम बोलते हैं ये टीवी पर आने वाला है और सारे इसके सिर्फ बैठकर देखेंगे किस तरह से आप जीते। आज से 8 साल पहले शाल्टना मल्लिका जीते थे तब टीवी में नहीं आया था, हमको बाद में रिकॉर्डिंग दिखाना पड़ा, बट ये जब आप जीतेंगे लाइव, ना कि हमारे बच्चे ना कि आपके रिलेटिव, लेकिन पूरा भारत पूरा वर्ल्ड आपको देखेगा, तो यहां पर अर्थ क्विज का आप लाभ उठाएं, ये हमारा है। अर्थ क्विज ऑल्सो इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, अमेजिंग वीडियोस, ओ माय माय, मैंने जब ये देखा मैं तो पूरा बोल्ड आउट हो गया, बोल्ड आउट हो गया। आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन, आई एम कमिंग बैक टू शो यू व्हाट इट इज, दीज आर द अमेजिंग वीडियोस, बहुत सारे हैं। अभी देखो एक सिंपल बताता हूं, ये अमेजिंग वीडियो मतलब उन्होंने बोला डिड यू नो, क्या पता है कि ऐसे दुनिया में होता है, या एक परिवार है, एक परिवार है जो परिवार में ये वीडियो है, ये परिवार में जितने भी लोग हैं सारे लोगों का उंगलियां 6 हैं, हर हाथ में 6 उंगलियां, दोनों हाथ में 6 उंगलियां, दोनों पैर में 6 उंगलियां हैं। ऐसे कभी कभी होता है एक हाथ में 6 उंगली आती है या दो हाथ में आती है या परिवार के एक मेंबर को आता है, ये हर आदमी को परिवार का देखो दिखाया है, हर आदमी को परिवार का 6 और पूरा परिवार को, इस परिवार को 6 उंगलियां हैं, दोनों हाथ दोनों पैर में 6 उंगलियां हैं, और ये वीडियो में दिखाया गया है, और ये कहां का परिवार है, किस देश का है, किस राष्ट्र में रहता है, और उनके बारे में पूरी जानकारी विद वीडियो, वीडियो के साथ दिखा रहे हैं, कोई एनिमेटेड नहीं, ट्रूथफुल स्टोरी विद द वर्ल्ड डजंट नो। इस तरह का वीडियोस आपको अमेजिंग स्टोरीज में नजर आएगा, और कुछ कुछ ऐसे थे जो मैंने कभी भी सोचा ही नहीं ऐसे चीजें होगा, राइट। तो लाइटनिंग स्ट्राइक आता है, लाइटनिंग आता है, तो लाइटनिंग स्ट्राइक गांव में जो ऊपर खेती में आदमी खड़ा होता है मर जाता है, यहां पर दिया हुआ है अगर लाइटनिंग आता है हाउ टू सर्वाइव, आप किस तरह से लाइटनिंग स्ट्रोक को सर्वाइव कर पाएंगे उसके बारे में दिखाया गया है, ये वीडियो है। तो अमेजिंग वीडियोस, मैंने बोला था पहला वाला जो एक्सक्लूसिव वीडियो है वो एक्सक्लूसिव वीडियो जो है आपको मिलेगा, आपको एक्सक्लूसिव वीडियो 2 महीने में एक, लेकिन अमेजिंग वीडियो जो है बहुत सारे मिलेंगे, रोज मिलेंगे अमेजिंग वीडियोस। और ये वीडियोस देखने में बिलीव मी एक बार टेस्ट लग गया, वंस अ टाइगर टर्न्स मैन ईटिंग, उसके बाद उसको इंसान ही चाहिए, फिर दूसरा जानवर नहीं, हमें जंगल के बाहर आएगा इंसान को ही खाएगा। वैसे एक बार आपको इसका टेस्ट लग जाए फिर यूट्यूब में बाकी चीजें आप कुछ देखोगे नहीं, ये देखने में इंटरेस्ट होगा, और ये देखोगे तो आपका एनर्जी सही डायरेक्शन में होगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और पता नहीं किस दिन बीबीसी अर्थ के अलावा मैं आपको सुकून बने करोड़पति में भी आपका नाम पाऊंगा और आप 7 करोड़ जीत के भी आएंगे, और आप सेलेक्ट करेंगे अमिताभ के साथ में टॉपिक, मैं आंसर करूंगा साइंस, नेचर, एडवेंचर, क्योंकि मेरे स्कूल से मैंने साथ बहुत चीज प्लेटफॉर्म से पाया है, राइट। तो ये चीज, और आप अमिताभ आपको पूछेगा कि किस तरह से आपने कैसे 7 करोड़ जीता, तो आप बोलोगे मैं जब छोटा था स्कूल में था यहां से 1 साल पहले मैंने मेरे स्कूल का प्लेटफॉर्म था सोनी बीबीसी अर्थ का उपलब्ध फायदा उठाया और वहां पर मैंने बहुत सारा टाइम रोज डाला, मेरा नॉलेज बढ़ गया कि आज मैं आपके सामने बैठकर 7 करोड़ रुपया मैं कमा चुका हूं। और अमिताभ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे ये पैसा आप कहां यूटिलाइज करेंगे, आप बोलेंगे क्योंकि मेरे स्कूल ने मुझे किया, इसका 50% मैं डोनेशन मेरे स्कूल को दूंगा, ऐसा मैं सोचता हूं, उम्मीद भी करता हूं, डिजायर भी करता हूं और शायद डिजर्व भी करता हूं। Here we go.
टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा मैं. वापस अपना स्क्रीन बड़ा कीजिएगा. बीजेपी में सा लाइटर लोड पर जोक मारना अच्छा लगता है. अमेजिंग वीडियो के बाद नेक्स्ट चीज आपको आएगा, वो है डिड यू नो. डिड यू नो मतलब सवाल, ऐसे सवाल जो आप कभी सोचोगे नहीं, मतलब आपको ध्यान में नहीं आएगा कि ऐसा भी कुछ दुनिया में हो सकता है. डिड यू नो, डिड यू नो, डिड यू नो में क्वेश्चंस है, क्या आपको ऐसा पता है. फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये देखो, यहां है क्वेश्चन है, ये है, ब्रीदिंग डर्टी एयर मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर लूजिंग ऑलमोस्ट 6 months ऑफ योर लाइफ. ये एक है. डिड यू नो दैट ट्विन फिंगरप्रिंट्स आर एज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज दे आर फ्रॉम अस. ट्विन होते हैं, ट्विन ब्रदर्स, उनका फिंगरप्रिंट अलग होता है. डिड यू नो, ऐसा डिड यू नो अलग अलग चीजें हैं जो. डिड यू नो दैट बुलेट प्रूफ वेस्ट कैन स्टॉप अ बुलेट दैट इज शॉट एट अ स्पीड एज हाई एज 900 मीटर्स पर आवर mph. ओके, तो अलग अलग चीजें जो आप रीड करोगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगा. तो दिस इज डिड यू नो, ये भी आपको मिलेगा. जस्ट मियरली रीडिंग विल इंक्रीज योर नॉलेज, विल इंक्रीज लॉट ऑफ थिंग्स. हम चाहते हैं हमारे बच्चों का नॉलेज बढ़े, जो चीज उनको नहीं पता था वो पता चले. तो कितने अच्छी तरह से उन्होंने लोगो बना के डाला है डिड यू नो. सारे लोगों से हम देखेंगे स्टार्टिंग से, राइट. पहला लोगो फील अलाइव, इसके लिए ब्रेन टीजर आपको दिया है. पजल आप दिखते हैं ब्रेन टीजर, बीच के इमेज देखो, पजल और ब्रेन को टीज करने वाला. फिर फैसिनेटिंग स्टोरीज है, फैसिनेटिंग स्टोरी रिगार्डिंग साइंस एडवेंचर एंड नेचर, रिगार्डिंग अर्थ के बारे में, रिसाइकलिंग के बारे में है. फिर अर्थ क्विज है, अमेजिंग वीडियोस है, डिड यू नो है, और उसके बाद है क्विक रीड्स. क्विक रीड्स अप टू थर्ड, आखिरी चीज क्विक रीड्स अप टू थर्ड स्टैंडर्ड वी लर्न टू रीड, एंड आफ्टर थर्ड स्टैंडर्ड वी रीड टू लर्न. रीडर्स विल रूल द वर्ल्ड, रीडर्स विल रूल द वर्ल्ड. अगर आपको दुनिया में राज करना है तो आपको रीड करना होगा. आज भी मेरे ऑफिस में आप देखोगे यहाँ पर सेट ऑफ बुक्स है जो बदली होते जाते हैं. आई रीड अ लॉट. आज भी जब मैं मॉल में जाता हूँ, दुकान में जाता हूँ, बुक मिलता है तो रुक जाता हूँ, और कुछ ना कुछ एयरपोर्ट जाता हूँ तो बुक खरीदता हूँ, एंड कुछ बुक है बुक ब्राउज करता हूँ, कुछ बुक डिटेल पढ़ता हूँ. रीडर्स विल रूल द वर्ल्ड. अब आपको एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, बुक शॉप जाने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में सोनी बीबीसी अर्थ के द्वारा क्विक रीड आएगा. बहुत बड़ा बड़ा बुक नहीं है, छोटी छोटी चीजें जो आप रीड करोगे, रीडिंग वोकैबुलरी बढ़ाओगे, और रीडिंग के थ्रू आपका साइंस एडवेंचर नेचर का आपका एक चीज बढ़ जाएगा. तो दिस इज अबाउट द 7 things. द नेक्स्ट थिंग, अभी द क्वेश्चन है, सर आपने तो बताया क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको बताया. शाल्टन ने 4 तो बताया, क्या 4 आपको रिपीट किया था. हर मंथ का मैगजीन, हर 2 महीने में एक वीडियो, क्विज कॉन्टेस्ट जहां पर आप टीवी तक जा पाओगे, एंड लास्ट वाला आपको बोला था कि डू इट योरसेल्फ वर्कशॉप. उसके अलावा मैंने आपको अभी 7 चीजें बताया, वो 7 चीजें हैं, ब्रेन टीजर, फैसिनेटिंग स्टोरीज, रिसाइकलिंग रिगार्डिंग अर्थ क्विज, अमेजिंग वीडियोस, डिड यू नो एंड क्विक रीड, राइट. तो ये सब चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मिलेगा. नाउ क्वेश्चन इज, सर हमें क्या करना होगा, क्या कल तक तो क्वेश्चन था क्या फायदा होगा. सर वो मालूम पड़ गया मुझे, आपने बताया मुझे कि क्या फायदा होगा. अब मुझे बताओ सर कि कैसा क्या करना होगा, मुझे अभी चाहिए, अभी बताओ सर मुझे कैसा जाना है, उत्सुक हूं, मुझे मालूम पड़ना है. तो अगर आप उत्सुक हो, अभी बताता हूं आप, होल्ड योर ब्रेथ, किस तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए. यो वी गो, क्या करना चाहिए मिलने के लिए, यो वी गो. सो ये आपको आपका स्क्रीनशॉट होगा. जब आपको एक लिंक भेजूंगा, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, कल सवेरे संडे एक लिंक आपको आएगा. वेट करो, कल सवेरे एक लिंक आपको आएगा, एक्सक्लूसिव लिंक फॉर आवर स्कूल. और वो लिंक आप जब क्लिक करोगे, क्लिक करते आपका स्क्रीन में यह आएगा. क्लिक करते आपका स्क्रीन में यह आएगा. आप देखो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में वहां पर एक साइन इन बोल के है. देखो यहां पर साइन इन है, दिखता है साइन इन है. यानी लिंक को क्लिक करते ही आपको ये स्क्रीन आएगा, वहां साइन इन बोल के है, ऊपर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में साइन इन बोल के है. दिखाई दे रहा है सबको, अगर दिखाई दे रहा है तो आप वहीं पर हाथ उठाइए, ऐसा कैमरा में हाथ उठाइए, दिखाई दे रहा है. तो ये आपको साइन इन दबाना है. साइन इन दबाते ही वहां उंगली आपको टच करते ही, आपको साइन इन दबाते ही आपको नेक्स्ट स्क्रीन में चला जाएंगे आप, और वो है ये, आपका स्क्रीन ऐसा हो जाएगा. आधे स्क्रीन में वहां पर आएगा साइन इन, दिख रहा है आपको. नीचे देखो फेसबुक,
इंस्टाग्राम ट्विटर का सबका आपका लोगो है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। आई विल नॉट एडवाइस यू टू गो फ्रॉम देयर, मैं आपको एडवाइस करूंगा दोबारा। देखो दोबारा साइन इन है, दिखाई दे रहा है दोबारा साइन इन, पहले वाले साइन इन में आप जब करेंगे ये दबाएंगे, पहले वाला साइन इन दबाएंगे आप ये, तो इमीडिएटली आप चले जाओ इसके अंदर। इसके अंदर जाते हैं, दूसरा साइन इन यहां पर है, आप इसको दबाइए, इस साइन इन को दबा देंगे कल सवेरे उठते ही सबसे पहला काम ये करना है, क्योंकि ये उपलब्ध है सिर्फ हमारे बच्चों का। फर्स्ट एक लिमिटेशन है, उतने लोगों पर डे मिलेगा, कल 300 लोगों को मिलेगा। क्या आप पहले 300 में से हैं? साइन इन दबाइए, अगर आपका सक्सेसफुल हो गया आप फर्स्ट 300 में से होंगे। साइन इन करते ही नेक्स्ट आप चले जाएंगे इसमें, आपको ये स्क्रीन आएगा, यहां पर आप देखो ऊपर देखो दो चीज है, एक लॉग इन है और एक साइन अप है, दिखता है आपको ऊपर एकदम ऊपर बॉक्स के ऊपर, एक लॉग इन है और एक साइन अप है, मैं दिखा रहा हूं आपको, दिखता है यहां साइन अप। लॉग इन में मत जाइएगा, गो टू साइन अप, लॉग इन में मत जाइएगा, गो टू साइन अप। लॉग इन बाद में, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम क्या करोगे, बहुत लोग फोन करते हैं, जैसे कि मैं टॉप स्कोरर में देखा, मार्गरेट मैडम बहुत फोन आया, मैं लॉग इन कर रहा हूं नहीं हो रहा है, तो यहां साइन अप करना है, पहली बार वहां पर लॉग इन करना है, साइन अप नहीं करना है, क्योंकि वहां पर आपको टॉप स्कोरर में आपको मैडम ने ऑलरेडी आपको फोन नंबर से दिया, यहां पर आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको साइन अप दबा देंगे आप, तो आपको आएगा ये वाला स्क्रीन, साइन अप दबा देंगे तो ये वाला स्क्रीन आएगा। इस स्क्रीन में आपको पहला नेम है, फिर ईमेल आईडी है, फिर स्कूल का नाम है, फिर सिटी है, पासवर्ड है। ध्यान से देखो क्या क्या भरना है, जहां पर आपका नाम है, मैंने मेरे बेटे का भरा है, आपको लिखना है SKCN शाल्टन, क्योंकि हम लिंक किसी बच्चे को दे सकते हैं, दूसरे फ्रेंड को देंगे, वो लोग भी आएंगे। हाउ विल सोनी बीबीसी अर्थ नो कि 300 स्कूलों में से ही है, इसलिए हर स्कूल को अपने बच्चों को अपने नाम के पहले, अगर आपने SKCN नहीं डाला तो फाइनली आप जब आते हैं क्विज कॉन्टेस्ट में एलिजिबल नहीं बनेंगे, जो फाइनल बेनिफिट है उसे 300 स्कूलों को मिलेगा। इसीलिए आपको नाम से पहले SKCN डालना है, फुल स्टॉप नहीं डालना है, SKCN डाल के आपका नाम डालिए। शाल्टन जो है, शाल्टन अपना नाम को शाल्टन स्टैन भारतीय बोलता है, तो शायद मैंने लिखा SKCN शाल्टन। उसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी डालना है, शाल्टन का ईमेल आईडी यहां हमने डाला है, shaltonpinto21@gmail.com। 21 क्यों डाला मुझे नहीं मालूम, दैट ही वांट्स टू बिकम 21 फास्ट, और वांट्स टू गेट मैरिड एट 21, और वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर एट 21, आई डोंट नो व्हाट इज द थिंग, बट 21 डाला है, shaltonpinto21@gmail.com। उसके बाद स्कूल का नाम आप ऐसा डालेंगे, देखो क्या डाला है, SKC स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, ऐसे ही डालेंगे SKC स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आपको याद रखने में तकलीफ होगा, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, SKC स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। उसके बाद आपको मुंबई सिटी वसई नहीं डालना है, नहीं लेगा, उनको पूरे इंडिया में 300 स्कूल लिया है, तो हमको मुंबई में गिनते हैं, वो अलग अलग वसई पालघर थाना नहीं किया है, क्योंकि बॉम्बे में मात्र 5 स्कूल है, पूरा मुंबई थाना पालघर मिला के 5 ही स्कूल है, तो हम सबको मुंबई लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, मुंबई जहां सिटी है, सिटी जहां पर लिखा है, यहां सिटी है वहां, देखो फुल नेम में क्या डाला, SKC शाल्टन, ईमेल आईडी जस्ट दे होए डाला, फिर स्कूल का नाम SKC स्कूल इंजीनियर कॉलेज, सिटी में डाला मुंबई, फिर पासवर्ड जो आप डालोगे यहां पर, वो आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना, नया पासवर्ड डालना है। रूल ये है, कम से कम एक कैपिटल लेटर हो, देखो मैंने दो कैपिटल लेटर यूज किया, POW, आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए कम से कम, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो देखो मैंने लिखा पासवर्ड 9 #, आप कुछ भी डालो, Benton10@, Charlton6 #, एक स्पेशल कैरेक्टर, तो आपको आपके नाम में एक कैपिटल यूज करना है, जो पासवर्ड में एक नंबर यूज करना है, कम से कम एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर नीचे वहां पर दिया हुआ है I am not a robot, आपको टैग करना है I am not a robot, I would also टिक, दोनों टिक मार्क करना है, फिर नीचे सबमिट करना है, ओके? हाँ, तो वहां पर जो स्कूल का, मुझे मैडम याद दिला रही है, जहां स्कूल का नाम है, एंड को सिंबल नहीं चलेगा, जूनियर कॉलेज JR. नहीं चलेगा, बहुत कंपलसरी उन्होंने बोला है आपको SKC स्कूल पूरा एंड पूरा जूनियर पूरा कॉलेज, जब आप एंड सिंबल डालोगे JR, फिर एंड में मालूम पड़ेगा आपको सर मेरा तकलीफ हो गया या लेगा ही नहीं, सो अंडरस्टैंड ये, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं अभी। इसी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरह से आप लॉग इन करो, पासवर्ड ये मत यूज करो, आप अपना पासवर्ड यूज करो, बट पासवर्ड कैसा होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर मिनिमम, एक नंबर मिनिमम, और एक स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर मतलब #, @, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं।
आई कम बैक अगेन, फटाफट बता दूंगा मैं। सबसे पहले आप जब आप सबसे पहले जब आप लिंक आएगा, आप लिंक दबाओगे तो आपको ये आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन दबाना है। साइन इन दबाते ही आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ पर आपको ये साइन इन दबाना है। साइन इन दबाते ही आपको नेक्स्ट कैरेक्टर में जाओगे आप, राइट। मैं वापस से स्लो जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। सबसे पहले लिंक दबाते ही ये आपको आएगा, ये आते ही आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ये आते ही आपको ये साइन इन दबाना है, ये साइन इन दबाते ही स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ये साइन इन दबाते ही आप जाओगे थर्ड पेज में, और थर्ड पेज है आपका ये, यहां पर भी आपको ये साइन इन दबाना है। ये साइन इन दबाते ही आप चले जाओगे इस पेज में। इस पेज में आपको दो चीजें, लॉग इन एंड साइन अप, आपको साइन अप दबाना है। साइन अप दबाते ही आपको आएगा नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज जो आपका है वो ये है। ये पेज में आते ही वहां पर फुल नेम, ईमेल आईडी, स्कूल, सिटी और पासवर्ड पूछा है, तो वहां पर आप ऐसे भरोगे। ये कॉपी ले लो, ये बहुत जरूरी स्क्रीनशॉट आप ले लोगे। और अगर आपको फिर भी मालूम नहीं है तो इसका वीडियो हम यूट्यूब में डालने वाले हैं दोबारा देखने के लिए, तो आप यूट्यूब में आपको यही वीडियो आज रात के बाद मिलेगा। तो आप यूट्यूब में लेटेस्ट स्टूडियो में जाइए, वहां पर लिखा रहेगा अमेजिंग टाइप या जो लिखा रहेगा आप देखिए, यही आपका सोनी बीबीसी अर्थ करेगा। आप इसको देखकर आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप भूल न जाए। हो सकता है मम्मी यहाँ पर बैठे, डैडी को दिखाना हो तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा आज। आपके फ्रेंड जो अटेंड नहीं कर पाए उनको बोलना इसका वीडियो मिल जाएगा। इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है, लेकिन लाइव नहीं गया हूं मैं रिकॉर्डिंग में गया हूं। शाम को अपलोड करूंगा वीडियो, उसके बाद आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये था हमारा सोनी बीबीसी अर्थ के बारे में। तो मैंने क्या क्या बताया? नंबर वन, सबसे पहला, हमने सोनी बीबीसी अर्थ से टाइप किया है, बहुत बड़ा न्यूज है, हम गर्व महसूस करते हैं। पूरा भारत का 300 स्कूलों में साइन अप हमें सेलेक्ट किया गया, एंड वी आर वन ऑफ देम, और हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अगले 8 महीने के लिए। तो लॉकडाउन में हमारे बच्चे बेनिफिट बढ़ा पाए। आपको कुछ भी पैसा, नशुल्क, नो पेमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, आपको कुछ नहीं भरना है। सोनी बीबीसी अर्थ से इसका अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं, जो भी भरना है हम भरेंगे, आपको कोई एंट्रेंस फी नहीं। तो सबसे पहला बिग टाइप फ्री ऑफ चार्ज। दूसरा मेन 4 बेनिफिट, मैं रिकैप कर रहा हूं। सबसे पहला बेनिफिट है, नंबर 1 बेनिफिट कि आपको हर महीने एक न्यूज़लेटर मिलेगा। नंबर 2 बेनिफिट है आपको, क्या है न्यूज़लेटर के बाद, हर 2 महीने में एक अमेजिंग वीडियो आएगा। नंबर 3 क्या है, आपको क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेने का पार्ट मिलेगा, आप नेशनल लेवल तक जा पाएंगे। एंड नंबर 4 डू इट योरसेल्फ वर्कशॉप आपको कंडक्ट होगा, जहां पर घर बैठे बैठे घरेलू चीजों से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बाद कल सवेरे एक लिंक आएगा, उस लिंक में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 चीजें। नंबर 1 ब्रेन टीजर, नंबर 2 फैसिनेटिंग स्टोरीज, नंबर 3 रिगार्डिंग अर्थ रिसाइक्लिंग, नंबर 4 अर्थ क्विज, नंबर 5 अमेजिंग वीडियोस, नंबर 6 डिड यू नो, एंड लास्ट क्विक रीड। और एनरोल कैसा करने का है वैसा मैंने बता दिया है, कल सवेरे क्लिक करना है। अब बोनस, एक पहला मैगजीन का पहला फर्स्ट एडिशन, छोटा सा मिनी एडिशन आपको बोनस में अभी 1 घंटे बाद हम भेजेंगे। अभी 1 घंटे बाद मिनी एडिशन ऑफ द मैगजीन, जो हर 2 महीने में, हर महीने में आने वाला है ना न्यूज लेटर, एक न्यूज लेटर 1 घंटे बाद आपको आ जाएगा आपके मोबाइल पर। क्लिक करो, एंजॉय इट, राइट। लेकिन सारे बच्चे, मैं बता रहा हूं आपको, सारे बच्चे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सबकी बस की बात नहीं है। अगर आपको पता चला आपके बच्चे ने इंटरेस्ट नहीं उठाया, आपको नहीं मिला है तो, या फायदा नहीं उठा पाया, देन इट इज दैट उसका इंटरेस्ट नहीं, डेवलप करना पड़ेगा, राइट। कोई सवाल इसके बारे में हो तो आप पूछ सकते हैं। आनंद जाधव ने हाथ उठाया है, लेट मी अलाउ हिम टू आस्क द क्वेश्चन। यस मिस्टर आनंद, प्लीज अनम्यूट करो। अनन्या के डैडी, थैंक यू सर। हाँ यस, बताइए। सोनी चैनल में जा रहे हैं, अनन्या सोनी चैनल के साथ चैनल में अभी ये करेगी, और शायद कभी तो करोड़पति के लिए ये करेगी। वो कितना परसेंटेज मेरा होगा, 20% देंगे, जीतेगी तो? 100%। क्या बात है, क्या बात अनन्या है? जो भी किधर भी करेगी, ऊंचाई भी जाएगी, वो मिस्टर स्टैनी, डॉक्टर स्टैनी पिंटो सर। थैंक यू। आवाज कोणाचा? SKC चा। लवली, यहाँ पर सब जन हाथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लवली, मेरे को बाहर यहाँ पर मेरे टीचर हाथ बहुत क्लैप कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके इस फीडबैक पर।
हमें गर्व है कि आप हमारे पेरेंट हैं, आप जैसे बहुत सारे पेरेंट हमारे हो, बहुत सारे हैं और हो, ऐसा हम चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाथ उठाइए, वी गिव चांस टू फरजाना। थैंक यू मिस्टर आनंद। ग्रेट आफ्टरनून सर। ग्रेट आफ्टरनून फरजाना, बोलो सर। ये जो कल मतलब नाम लिख के सबमिट करना है तो कल कर देंगे, जब भी आप लिंक सेंड करोगे तो उसके बाद से हम लोग को स्टार्ट हो जाएगा सब वीडियो ये सब आना। क्या सबमिट करना पड़ेगा? नाम एड्रेस। नहीं, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करते आपको ईमेल आईडी में कंफर्मेशन मेल आएगा और वहां से आप शुरू हो जाएंगे उसी दिन से सर। हाँ यस, उसी दिन से मेल उसी दिन आ जाएगा और उसी दिन आप और गेम्स ये सब उसी दिन से सब चालू हो जाएगा। यस, उसी दिन चालू हो जाएगा। और उसका पूरा प्लेटफॉर्म में जो उन्होंने बन चुका है, उन्होंने मुझे अवेलेबल देखा, बहुत एक्साइटिंग है। लेकिन आपको ये टेस्ट डेवलप करना होगा। सारे बच्चों बता दूं, जब पहले मैगी आया था दुनिया में, पहले मैगी आया था, किसी को मैगी पसंद नहीं था, मैगी आउटराइट रिजेक्ट हुआ था। लोगों ने एक बार खाया बट मैगी सस्टेन रहा। मैगी ने ये बोला, आप खाते रहो आपका टेस्ट डेवलप होगा। जब लोगों ने 6 महीना इसको सेवन किया तो टेस्ट डेवलप हुआ। वैसे ही इस चैनल को सोनी बीबीसी, हो सकता है बच्चा पहली बार जाए बोले क्या है ये, मजा नहीं आ रहा है। जैसे नेशनल ज्योग्राफी चैनल 5 मिनट में हम आउट कर जाते हैं। लेकिन अगर आप बने रहोगे, अलग अलग वीडियो देखने जाओगे और ध्यान से देखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट डेवलप होगा। फिर आप और कुछ भी देखना नहीं चाहेंगे, आपसे भी ये करना चाहेंगे। आई एम कमिंग टू, बाकी लोग ने हाथ उठाया, आई एम कमिंग टू इट। पहला बाकी अनाउंसमेंट में मैं कर दूं। नाउ मैंने पहले आपको टाइप बता दिया, उसके फीचर बता दिया और रजिस्ट्रेशन करना बता दिया। मेरी एक कहानी हमेशा मैं बोलता हूं, वो कहानी है, मैं बताता हूं ना, एक फादर और एक इंजीनियर के बारे में। फादर एक दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे, फादर और इंजीनियर स्कूल में पढ़ते थे। 20 साल बाद बिछड़कर फिर मिले। इंजीनियर को बहुत गर्व था कि वो बड़े बड़े कंपनी में साबुन बनाने वाले फैक्ट्री, मेडिसिन बनाने, कपड़े बनाने कंसल्टेंट है, और चर्च का फादर कुछ नहीं करता है, उसके बाइबल उसका प्रवचन कुछ काम का नहीं है। आज भी वो सब दांडल, सब प्रॉब्लम, सब क्राइम होते रह रहे हैं। तो इंजीनियर और फादर का टेल लेता है, क्या फायदा तेरा बाइबल का, तेरा प्रवचन का, तेरा मास का, दुनिया में आज भी क्राइम है। तो फादर उसको ले जाता है एक तालाब के पास और बताता है कि 15-20 बच्चे वहां नंगे खेल रहे हैं, कपड़े नहीं पहने हुए हैं, हेल्थ बेकार है, रिकेटी लेग्स हैं। तो फादर उस इंजीनियर को बोलता है, क्या फायदा तेरे साबुन का, तेरे साबुन होने के बावजूद ये बच्चे कितने गंदे हैं, तेरे मेडिसिन इतने सारे फैक्ट्री में तो कंसल्टेंट देता है फिर ये बच्चों को रोग है, तेरे कपड़े क्या काम के, देखो इस बच्चे अभी भी नंगे हैं। तो इंजीनियर बोलता है, अरे ऐसे कैसे बोलते हो, कपड़े खरीदना पड़ेगा, आपको दवाई खरीदना पड़ेगा, साबुन खरीदना पड़ेगा, तभी तो रोग दूर होगा और आपका नंगापन दूर होगा। फादर चलो मान लेते हैं, चलो दुकान में जाते हैं, खरीद लेते हैं। सारे 15 पूरे जितने बच्चे वहां तालाब में खेल रहे हैं, सब बच्चों के लिए वो लोग खरीद लेते हैं। क्या खरीदते हैं, वो लोग कपड़े खरीदते हैं, 3-3 जोड़ी कपड़े। सारे 15 बच्चों के लिए दवाइयां, विटामिन खरीदते हैं, फूड सप्लीमेंट खरीदते हैं, सारे 15 बच्चों को दवाइयां खरीदते हैं और साबुन खरीदते हैं, अच्छे से साबुन खरीद देते हैं, पूरा बुके बना के देते हैं। ये लोग पूरे बच्चे लेके चले जाते हैं। इंजीनियर बोलते हैं अभी ठीक हो जाएगा। फादर बोलते हैं चलो 10 दिन बाद मिलते हैं। 10 दिन बाद फिर फादर इंजीनियर को लेके वहां चला जाता है। अभी भी वो बच्चे उसी तालाब में खेल रहे हैं, अभी भी गंदे हैं, अभी भी नंगे हैं, अभी भी हेल्थ बहुत बेकार है। तो फादर बोलता क्या हुआ, आपने तो बोला साबुन खरीदने से दूर हो जाएगा, आपने तो खरीदा दवाई खरीदने से ठीक हो जाएंगे, आपने तो बोला कपड़े खरीदने से नंगापन, अभी देखो नंगा है, अभी भी ये लोग बीमार है, अभी भी ये लोग गंदे हैं। तो इंजीनियर बोलता है, अरे अरे आप समझे नहीं फादर, ये चीज खरीदने से नहीं होता है, ये चीज यूज करने से होता है। साबुन थोड़ी खरीदने से फायदा है, साबुन लगाना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा, कपड़े पहनना पड़ेगा। स्टोरी खत्म होता है। मेरी यही चीज आपके लिए है, पेरेंट्स के लिए। कितना भी मैं सोनी बीबीसी लाऊं या दुनिया का सबसे बड़ा चीज लाऊं, जब तक आप उसको वापरेंगे नहीं, आपका कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो इस स्टोरी का आप ये उठाकर सोचो, जो भी चीज ना थर्सडे ट्रस्ट में लाता हूं, कितनी बार मैंने बार बार बोला है पेरेंट्स को, कितनी बार बोला है कि अपने बच्चे उस थर्सडे देखते हैं तो आप जरा वॉच करो, अगर नहीं देखते हैं तो आप देखो। रोज 8 बजे आप अपने मोबाइल के जाओ और 15 मिनट बच्चे को दो, आज बेटा क्या आया था मोबाइल में, चेक करो और उसको पूछो किया कि नहीं। ये मैं आपसे पार्टनरशिप में यहाँ मीटिंग में आया था, मैंने पूछा था, चेक करो कि बच्चा छोटा है, अभी भी वो लॉकडाउन के इसमें है, इसको सपोर्ट लगता है। सर मेरा बेटा बड़ा हो गया। सपोर्ट लगता है, मेरा बेटा ही बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूं। मेरे पिताजी मुझे बोलते थे, खर्चा लाख करो मेरे बेटा, लेकिन हिसाब रखो पाई पाई का। खर्चा में कोई प्रॉब्लम नहीं, लाखों खर्चा करो, जाओ लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ और करोड़ों खर्चा करो, लेकिन पाई पाई का हिसाब रखो। मेरे डैडी जब मुझे पॉकेट मनी देते थे, मुझे पूछते थे वीकेंड में क्या किया बताओ,
कभी 10 रुपया मिलता था और उनका पगार होता था, कभी 100 का नोट मिलता था। उस टाइम पर बहुत बड़ा था 100 का नोट, लेकिन देते थे। अगली बार पैसे देने के पहले पूछते थे, पिछली बार जो पैसा दिया क्या किया मेरे बेटे, मुझे बताओ। और मुझे हिसाब देना ही पड़ता था क्या किया। मैंने ये केला खाया, मैंने फ्रूट लिया, मैंने कंपस लिया, बोलना पड़ता था, तभी नेक्स्ट पॉकेट मनी मिलता था। अकाउंटेबिलिटी, तो ये आपके बच्चों को अकाउंटेबिलिटी करो। रोज 8 बजे पूछो, मेरे बेटे बताओ आज टीचर ने जब दिया आपने ये किया, ये वीडियो देखा, ये पूछो। ये मत नहीं वो देखता है, मैं देखती हूँ वो देखता है, ये क्या हुआ वो देखता है, क्या देखता है मोबाइल के सामने बैठ के। शाम को बैठ के देखो, बाजू में बैठो, 15 मिनट दो, बच्चा तुम्हारा है, तुमने पैदा किया है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉकडाउन में सपोर्ट करने का। आप नौकरी पर जाते शाम को, 15 मिनट बोल रहा हूं मैं, अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं किया है उसको बेटा कर, फिर डिनर करेंगे। जब आपका मीटिंग यहां पर हुआ था मैंने आपको बोला था, बहुत लोग बोलते थे नहीं सर आप क्या बोल रहे हो, स्कूल खुल जाएगा, अभी स्कूल खुल जाएगा। मैंने बोला था आपको मीटिंग में ये लंबा चलेगा। मैंने अभी नहीं अप्रैल में वीडियो में बोला था जल्दी नहीं खुलेगा, सितंबर तक तो नहीं खुलेगा। और आप जब मीटिंग में आए थे अक्टूबर में, मैंने आपको बोला था अक्टूबर नवंबर में ये चीज जल्दी खुलेगा नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन हमारा जिंदगी का पार्ट बनेगा। देखो आज भी 9 to 12 नहीं खुला है, आज भी गवर्नमेंट नहीं बोलता जाने को खुलेगा, गवर्नमेंट बोलता है कि पेरेंट्स ओपिनियन लो और हम बाद में तय करेंगे कि जैन एक को खोलना है कि नहीं। वो भी जैन एक किसका खोलने की बात कर रहे हैं, 9 to 12 की बात कर रहे हैं, केजी को 8 का कोई बात ही नहीं कर रहा है, अभी भी बात ही नहीं कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूं परमानेंट है हमारे लाइफ का, फिर भी आज भी 400 पेरेंट हमारे बाहर हैं। और जब मैं पूछा, कल मैं एक पेरेंट को मिला, रोज वीडियो में जाता है, रोज वीडियो नाच डांस रोज आता है। मैंने पूछा उस पेरेंट से, अरे आपका बच्चा अभी तक एजुकेशन में लेक्चर नहीं बैठे, क्या कर रहा है? तो बोले सर जब खुल जाएगा भेजूंगी। तो मैंने मेरे मन में सोचा 2 साल तो तेरा गया, 2 साल तो कम से कम गया, पूरा खुलने वाला तो बिल्कुल नहीं है। और आपका बच्चा 2 साल छोड़ो, 6 महीना विदाउट बुक है, 7वें महीने में वापस एजुकेशन में लाने में बहुत तकलीफ होगी, आउट ऑफ स्कूल हो जाएगा, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाएगा, समझो जरा समझो। हमने इसलिए नहीं ऑनलाइन चालू रखा ताकि हम टीचर्स का पगार दे सके, हमने इसलिए ऑनलाइन चालू रखा ताकि हमारा सेवा में कोई बच्चों को मिलना चाहिए। स्टूडेंट शुड कम राइट, परिवार तो चलना ही चाहिए, डेफिनेटली पैसा परिवार चलना चाहिए, उनको थोड़ी बोलते घर जाओ अभी लॉकडाउन है जब खुलेगा तब, लेकिन साथ साथ में बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए हम रोज कितना कुछ नया लाते हैं। ये देखो सोनी का जो लाया है, हमारे पूरा टीम ने कोशिश करके इसको पूरा रजिस्ट्रेशन करके पूरा मेहनत करके वी हैव बॉट देमसेल्फ ऑन द 300 स्टूडेंट स्कूल प्लेटफॉर्म। नाउ आपका एक स्पेशल वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, कल के अंदर एक वीडियो, परसों के अंदर वीडियो आएगा, जिस वीडियो में मैंने अनाउंस करूंगा 9 to 12 का फ्यूचर क्या है। बोर्ड एग्जाम अनाउंस हो चुका है, टेम्पररी टाइम टेबल आ चुका है, 10th स्टैंडर्ड और 12th का टेम्पररी टाइम टेबल आ चुका है। कौन सा सब्जेक्ट कब होगा, कैसे होगा बोर्ड एग्जामिनेशन, कब पेपर चालू होगा, कब खत्म होगा, टेम्पररी टाइम टेबल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड रिलीज कर चुका है। इस साल का 10th का 12th का बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल, 9 to 12 क्लासेस के बारे में और सारे गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मंडे के पहले, मत बंद बिना चुप देखिए, इस तरह के सारे चीजें मेरे यूट्यूब वीडियो पर ही आएंगे। आजकल के वीडियो बहुत लंबा नहीं होता है, 10 से 15 मिनट का होता है, बिल्कुल मिस मत करो। और टाइम देकर विदाउट फॉरवर्ड किए देखो, नहीं तो फॉरवर्ड कर दिया पता चला वहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया। 15 मिनट लाइफ का ईयरफोन लगा के देखो और उस चीज का अमल करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैकेजी बन गया लाफिंग फ्रॉम देयर। नाउ वीकली ट्यूजडे ट्रीट, जैसा थर्सडे ट्विस्ट आता है, हम ट्यूजडे ट्रीट वीडियो निकालने वाले हैं। ट्यूजडे ट्रीट लोरेटा मैडम ने एक वीडियो जारी किया था और हमने एक सैंपल वीडियो आपको दिया था जो हमने यहां पर डांस किया था, लोरेटा मैडम, मार्गरेट मिस, सुनीता मिस, हमारे इंटर्न्स, मैंने भी उसमें एक छोटा सा गाना गाया था और हमने एक वीडियो बना, 6 मिनट का वीडियो आपको सैंपल भेजा था। हम चाहते हैं हर ट्यूसडे एक वीडियो रिलीज किए, यहां बैठे बैठे कुछ काम नहीं, अच्छा है। जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारी फरजाना दादी बनेगी, हमारा शाल्टन दादा बनेगा, हमारा अनन्या दादी बनेगी, तब अपने पोतों से बोलेंगे देख तेरी दादी छोटी थी तो कितना मस्त डांस किया था, क्योंकि एयर में रहेगा। और वो बोलेगी मेरा वीडियो देख स्कूल ने अपलोड किया था, क्योंकि हमेशा रहेगा एयर में। तो हर ट्यूसडे हम एक वीडियो बनाएंगे। और कौन सा गाना ले रहे हैं, 7 गाना जो हमारे असेंबली में यूज कर रहे हैं वो,
वो सात गाना उस डिस्क्रिप्शन में है मैडम, लोरेटा मैडम का। और आज आपका आखिरी तारीख है, आज रात के अंदर आपका वीडियो आपको शूट करना है, मुझे भेजना है। कैसे शूट करना है, कैमरा कैसे पकड़ना चाहिए, कितना मिनट आपको बता दिया गया है। मैं चाहता हूं पेरेंट भी, सपोज आनंद भी एक डांस छोटा सा करता है, दो तीन स्टेप करता है और मुझे भेजता है, वहां जगह पर हम डालेंगे। सपोज यहाँ पर हवस की मम्मी बेटी है भाई, अगर वो भी डांस करती है डालती है, या फरजाना की मम्मी डालती है, या यहाँ पर हर्षवर्धन की मम्मी यहाँ बैठी है मैं देख रहा हूँ, तो कोई भी पेरेंट भी चाहता है कि आप यहाँ पर आप अपना डांस करके डालेंगे तो आपका क्लिक पार्ट हम डालेंगे और हर ट्यूजडे हम रिलीज करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। ये सब स्कूल, स्कूल इज ऑलराउंड डेवलपमेंट ना, स्कूल इज नॉट ओनली अबाउट हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ साइंस, राइट। तो आपको चांस है हमारे वीडियो में फीचर होने का, आज रात को लास्ट तारीख है आपको आने का। नेक्स्ट, जिंदगी का, लाइफ को स्पेलिंग मुझे पूछा किसी ने, तो मुझे बोला हाउ डू यू स्पेल लाइफ, मैंने बोला ADJUSTMENT। फिर दोबारा पूछा क्या लाइफ का स्पेलिंग, कौन से स्कूल गए थे, मैंने बोला CHANG। बोला अरे बाबा लाइफ बोल रहा हूं मैं, मैंने बोला LEARN। बोला आप पागल हो गए हो, मैंने क्या बोला पहला लाइफ का स्पेलिंग ADJUSTMENT, एडजस्टमेंट। लाइफ का दूसरा वर्ड है एडजस्टमेंट, लाइफ का दूसरा वर्ड है चेंज, लाइफ का दूसरा वर्ड है लर्न। वो आदमी समझ नहीं पाया मेरा फिलोसॉफी को, जिंदगी का पहला वर्ड एडजस्टमेंट, लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। हो सकता है लॉकडाउन के पहले हमने अलग तरह की जिंदगी जिया हो, अलग चीज हमें मिला हो, अभी हो सकता है हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, होता है वैसा जीने। फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारा चीज हमेशा होटलों से, होटल से बाहर से खाता था, अब 6 महीने से बाहर से खाना बंद कर दिया, एडजस्ट कर रहा हूं अपने आप को। ऑफकोर्स घर का खाना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन प्रॉब्लम है टाइम ही नहीं मिलता। हम सब जुड़े हुए हैं, मैं तो ट्रैवलिंग में रहता था, बाहर रहता था नॉर्मली ट्रैवलिंग में, तो बाहर का खाना खाना पर जरूरी था, अब 6 महीने से बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता, एडजस्टमेंट है। मुझे घूमना पसंद था, दिवाली में हम घूमने जाते थे 15 दिन के लिए, इस बार नहीं गया, लाइफ एडजस्टमेंट है, अपने आप को भी एहसास दिला नहीं। तो पढ़ाई ऑफलाइन होती थी, अभी ऑनलाइन है, एडजस्टमेंट है, कर दो। दूसरा लाइफ का मतलब चेंज है, परिवर्तन, चेंज, और लाइफ का मतलब है लर्न। और जो समझ पाए आप में से इसका मतलब वो जीत जाएंगे, और समझ नहीं पाए बिल्कुल आपको प्रॉब्लम हो जाएगा लाइफ में, समझो इस चीज को। सेकेंड लास्ट पॉइंट, ये सब चीजें YouTube वीडियो, थर्सडे ट्रेस्ट, सोनी बीबीसी प्लेटफॉर्म लाकर हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू वी एम एट डूइंग। 5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं और 5 मिनट खत्म करेंगे। व्हाट डू वी एम एट डूइंग, वी एम एट क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लर्नर। हम चाहते हैं हम इंडिपेंडेंट लर्नर बनाए दुनिया में, जो सेल्फ ड्रिवन हो, यूज ऑफ डेटा पॉजिटिवली करें, यूज ऑफ मोबाइल एंड अदर रिसोर्स पॉजिटिवली करें। जैसे पॉकेट मनी पॉजिटिव यूज होता है, नेगेटिव यूज होता है, बच्चे पॉजिटिव यूज करें, सेल्फ ड्रिवन बने, और खुद होकर यूट्यूब या ऐसे प्लेटफॉर्म जो सोनी बीबी का उपयोग करें और इंडिपेंडेंट लर्नर बने। टीचर सिखाए वही चीज पढ़ने के अलावा और एक्स्ट्रा चीज सीखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल परसों मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया बिग पेज ऐड देखा, वन फुल पेज ऐड, अमेरिकन यूनिवर्सिटी इंडिया में एडवर्टाइज करता है कि आप कोई भी एक टॉपिक ले लो और उसका क्रेडिट पॉइंट दे, जूनियर कॉलेज के बच्चे ले सकते हैं 4 क्रेडिट पॉइंट्स पर, यानी हमारे यहाँ भारत में डिग्री कॉलेज 3 साल का होता है, यूएसए में 4 साल का होता है। हमारे यहाँ बच्चे डिग्री खत्म करते हैं डायरेक्ट यूएसए में जा नहीं सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उनको 1 ईयर का क्रेडिट पॉइंट के लिए कुछ और कोर्स करना पड़ता है। अभी उन्होंने चांस दिया है, जूनियर कॉलेज करते करते आप वो 20 क्रेडिट पॉइंट के लिए 4 या 5 कोर्स कर सकते हो, तो 5 कोर्स यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो वैसे क्रेडिट पॉइंट कमाते खुद ही लर्न करना होता है। मैं मेरे बेटे को अभी 2-3 कोर्स कराने वाला हूं, वैसे ही आपके बच्चे को आप ये सोनी बीबीसी जैसा प्लेटफॉर्म का उपयोग करवाइएगा रोज, नॉट एटलीस्ट 20 मिनट, 20 मिनट भी बहुत हो गया, आई डोंट 40 मिनट, 20 मिनट उसमें उनको सर्व करने दे दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट, प्लीज अपना फी भरिएगा। हमने यूनिट टेस्ट डिले किया था गवर्नमेंट डिले, इसके लिए तो आपको बताया गया है कि फी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स को सैलरी देना इंपॉर्टेंट है, आपका फर्स्ट क्वार्टर और इनिशियल फी कम से कम क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर यानी जून जुलाई अगस्त, फर्स्ट 3 मंथ्स का फी एंड इनिशियल फी क्लियर होना ही चाहिए, मिनिमम इतना क्लियर होना चाहिए, प्लीज इंश्योर करो। हो सकता है आपको तकलीफ हो, लेकिन हम तकलीफ थर्ड क्वार्टर का सुनेंगे, फर्स्ट क्वार्टर का आप नहीं सुन सकते हैं। आप हमारा भी सोचिए, हमें संस्था चलाना है, तो आप अपना फीस प्लीज क्लियर रखिएगा।
इन बातों को लेकर कोई सवाल हो अभी आप हाथ उठा सकते हैं, मैं आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा। बिफोर आई एंड, एंड करने से पहले मैं रिवाइज डेफिनेट करूंगा पूरे पॉइंट्स। या हर्षवर्धन ने हाथ उठाया है, आई अलाउ हिम टू आस्क, कि जाइएगा मत, प्लीज वेट, हो सकता है सवाल आपके मन में भी हो। अनम्यूट करो हर्षवर्धन, तीन सवाल मैं लूंगा, तीन पहले जिसने हाथ उठाया सवाल लूंगा। बोलो हर्ष, बोलिए। ग्रेट आफ्टरनून सर। ग्रेट आफ्टरनून हर्षवर्धन की मम्मी, बोलिए। सर अभी तक वो एग्जाम का टाइम टेबल नहीं आया है, तो सर हमको 30 नवंबर को गांव जाना था, वो हमने आपका वीडियो तो सर सारा सुन लिया है, आपने बताया उन लोगों का टाइम टेबल नहीं आया, जब तक हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे, तो हमको 30 नवंबर को गांव जाना था सर, इसका एग्जाम का क्या करेंगे? हाँ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, जो गांव जाने वालों को अप टू 8th स्टैंडर्ड का एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा, आपको ऑनलाइन गांव से बैठना है। प्लीज सर आपने बोला था ना पेपर स्कूल से लेके जाना है, उसके लिए आपको QR कोड दिया जाएगा, QR कोड से आपको आप कर सकते हैं, बताया जाएगा कैसा करना है, बताया जाएगा, डोंट वरी। अप टू 8 9 टू 12 का एग्जाम मुझे ऑफलाइन ही लेना था, तो कैसा करना है बताएंगे, तो ये सब चीजें आपको आने वाले मॉक टेस्ट में, मैं बच्चों को बताया था असेंबली में, मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट पहले बताया जाए कैसा करना है और फिर टेस्ट लेंगे। हम कुछ नहीं, हम बंद, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं हमारे हाथ? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें बंधा के रखा है। पहले बोला 23 तारीख खोलो, फिर सडनली बोला रुको, 23 को बोला पेरेंट्स का ले लो, तो ये सब फीडबैक ले लो, तो ये सब चीजों में अटक गए। और अभी आज हमारे पास उसका आया पूरा डिटेल, तो हम आपको वीडियो बना के मंडे तक डालने वाले हैं और शीघ्र ही हम एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। सबसे पहला होगा एमसीक्यू एग्जाम, उसके बाद होगा रिटर्न एग्जाम, मल्टीपल चॉइस होगा, फिर रिटर्न पर सब बताया जाए कैसा लेने वाला हम बताएंगे। हैव पेशेंस, लेकिन गांव में अगर आप हैं वहां से आप अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन। हमने वैसा प्लेटफॉर्म तैयार करने में टाइम लगता है, लेकिन प्लेटफॉर्म तैयार, टाइम और पैसा एनर्जी दोनों लगता है, लेकिन हम करके आपको देंगे, डोंट वरी, राइट? हम आपके साथ हैं, आप गांव जा सकते हैं, बट वहां से आप देखिए कि वहां नेट अवेलेबिलिटी होना चाहिए, उसी टाइम पर बच्चे को एग्जाम देने के लिए नेट के जगह पर आप रहो, फिर वहां जाके सेकंड कहानी, अगर आप बोलोगे वहां नेट अवेलेबल नहीं था, फिर हम बोलेंगे वो आपका प्रॉब्लम है, राइट? ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट इज यशिका मदर एड्रेस, तीन ही सवाल हम लेंगे। यशिका मदर, हाँ पूछिए मैडम। सर मैं स्टूडेंट ही हूँ एक्चुअली, है ना, मेरे को सर आपने जो क्विज के बारे में बोला था ना, वो क्विज होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कल सुबह जब लिंक आएगा उसमें सब बताया, एनरोल करो, ईमेल आ जाएगा और उसे फॉलो कर दो, सब कुछ उसके अंदर है। ओके सर, थैंक यू यशिका। आर्यन आस्क सर, टाइम टेबल कभी आएगा? क्या कभी आएगा सर? मैंने बोला हुआ बात दोबारा मत पूछो, अब भी मैंने बोला ना, मैं वीडियो में जारी करूँ उसके बाद टाइम टेबल आएगा। अच्छा, मैं बोला हुआ वो दोबारा मत पूछो, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सेम क्वेश्चन मत पूछो। थैंक यू आर्यन। नेक्स्ट इज बलप्रीत कौर, अनम्यूट करो। हाँ पूछो बलप्रीत, आस्क किसका। हाँ बोलो बलप्रीत, पूछो बलप्रीत, ईमेल आईडी किसका? ईमेल आईडी आपको अपना बनाना पड़ेगा, लॉगिन करने के समय आपका ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा, आपका डैडी का मम्मी किसी का भी ईमेल, खुद का आईडी, ऑफकोर्स खुद का आईडी यूज करना पड़ेगा। ओके, किसी और का आईडी यूज करोगे तो कैसा आपको मैसेज आएगा? आपको ईमेल पढ़ना पड़ेगा ना बेटा, लवली। बस अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब नहीं लूंगा, सबका टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, हम बाद में हम अलग से प्लेटफॉर्म पर रोज असेंबली में हम क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको एक घंटे बाद एक ये आएगा, विद इन वन आवर यू विल गेट अ न्यूज़पेपर एंड इन योर ग्रुप, ओनली इन द न्यू ग्रुप्स, एंड यू ऑल्सो गेट अ लिंक टुमारो मॉर्निंग। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बेनिफिशियल रहा है, आई एम एबल टू कन्वे द मैसेज नाइसली, इस तरह बारी बारी आपके पास आएंगे, कनेक्टेड रहेंगे, आपको इन्फॉर्म्ड रखेंगे, हर डेवलपमेंट के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए गए आपको बताएंगे, नया नया चीज लाते रहेंगे, आपके बच्चे को मीनिंगफुली एंगेज करते रहेंगे। हमारा प्रयत्न हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना बच्चा थक जाए, एसकेसी और हमारा टीम नहीं थकेगा। वी प्रॉमिस टू रिमेन टू कीप योर चिल्ड्रन मीनिंगफुली एंगेज, चाहे कितना बड़ा लॉकडाउन हो, कोरोना का वॉर हम जीतेंगे। ऑल ऑफ यू एसकेसी प्रणाम कीजिएगा।
एसकेसी प्रणाम ऑल ऑफ यू, दिखाई नहीं देना है, सबका दिखाई देना चाहिए। एसकेसी प्रणाम, ये हमारा स्टाइल है अभी लॉकडाउन में, सामने मिलेंगे ऐसे ही करेंगे और स्क्रीन में भी ऐसे ही करेंगे। थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने अटेंड किया, अब इसका लाभ भी उठाइएगा। थैंक यू।